नमस्ते साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 18वां इंस्टॉलमेंट से संबंधित आज के इस विशेष वीडियो में। तो साथियों, फाइनली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का 18वां इंस्टॉलमेंट को लेकर जो इंतजार था साथियों, वो आज के डेट में समाप्त हो चुका है, क्योंकि साथियों ऑफिशियली एक प्रसिद्ध जो न्यूज़पेपर कंपनी है यानी कि अखबार कंपनी है, उनके द्वारा दैनिक पत्रिका के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 18वां इंस्टॉलमेंट को जारी करने से संबंधित जो डेट है उसको घोषित कर दिया गया है, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है कहां से ये पैसे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, कितने लाभार्थी सम्मिलित होंगे और साथियों जो टोटल अमाउंट है वो क्या होगी और उसी के साथ कितने बजे लाभार्थियों के खाते में पैसे क्रेडिट होने वाली है। तो साथियों पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को जो है क्लियर करूंगा और उसी के साथ आप सभी के सामने एक पेपर कटिंग भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा होगा, आप सभी को देखने को मिला होगा कि 15 तारीख को पैसे मिलेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो साथियों क्या ये सच है और कहाँ से ये जानकारी आई है उसके विषय में मैं आप लोगों को यहाँ पर जानकारी अब क्लियर करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों देख सकते हैं प्रभात खबर जो कि प्रसिद्ध न्यूज़पेपर कंपनी है, जिनके द्वारा ये दैनिक जो न्यूज़पेपर जो है प्रकाशित किए जाते हैं उसी का दोस्तों ये जो है क्लिप है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, क्रॉप करके मैंने जो है यहाँ पर लगाया हुआ है और ये जो इस पेपर का जो क्रेडिट है वो प्रभात खबर को ही जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कुछ प्रकार से। तो साथियों ये जो अखबार है ये जमशेदपुर से प्रकाशित हुई है, बुधवार 11 सितंबर 2024 का दोस्तों यहाँ पर आपको डेट देखने को मिलेगा। अब मैं आप लोगों को मेन जो चीज़ें हैं उस पर लेकर चलता हूँ, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिखी गई है कि 15 को टाटानगर से पीएम आवास योजना लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन हमें तो जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित जानना है। इसी के बीच साथियों इस आर्टिकल के बीच में ही एक विशेष जानकारी दी गई है, जैसे हम इसको जूम करेंगे तो दोस्तों पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा प्रमुख संवाददाता जमशेदपुर करके है, जिसमें यहां पर डिटेल्स लिखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर आयोजित कार्यक्रम में देश भर के लिए पीएम आवास योजना को लॉन्च करेंगे। यहां वे ग्रामीण विकास और कृषि विभाग की योजनाओं को लॉन्च करेंगे, जिसके बाद साथियों यहां पर जो लाइन लिखी गई है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी से जो डेट है वो क्लियर हो चुका है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है 18वां इंस्टॉलमेंट वो कब मिलेगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना की राशि को भी विमुक्त करेंगे। तो सबसे बड़ी जो अपडेट है साथियों मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जानकारी कन्फर्म कर दी गई है प्रभात खबर अखबार के द्वारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर 2024 को टाटानगर जमशेदपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वां इंस्टॉलमेंट है वो लाभार्थियों के खाते में डालने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखे गए हैं इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अगुवाई करेंगे। इससे और भी जो जानकारी है वो क्लियर हो गई है, क्योंकि साथियों कृषि विभाग की योजना है और कृषि मंत्री इसमें उपस्थित होंगे, जिसमें इस ये जो कार्यक्रम है उसमें अगुवाई भी करेंगे शिवराज सिंह चौहान और वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमोट का बटन दबाकर लाभार्थियों के खाते में जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो साथियों और भी काफ़ी सारी जानकारी लिखे गए हैं, लेकिन जो मेन जानकारी है वो और भी यहाँ पर लिखे गए, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। यहाँ से किसानों और आवास योजना के लाभुकों को पैसे भी ट्रांसफ़र किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो साथियों यहां पर जानकारी क्या क्लियर हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा टाटानगर जमशेदपुर से 15 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 10 करोड़ लाभुकों के खाते में 2000 रुपये की किस्त जो है ट्रांसफ़र करने जा रही है। जो समय होगी साथियों वो आगे अपडेट होगा, लेकिन अनुमान जो हमारे यहाँ से अभी वर्तमान में टाइमिंग को लेकर निकल कर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे के बाद ये कार्यक्रम शुरू होंगे और उसके बाद किसी भी वक्त लाभार्थियों के खाते में जो पैसे हैं वो लाइव ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और उसके बाद शाम तक लाभार्थियों के खाते में जो पैसे हैं वो क्रेडिट
हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर जो जानकारी आई है इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जानकारी पेपर जो अखबार होती है दैनिक पत्रिका होती है उसके अंदर प्रभात खबर के लिखे गए हैं और ये पूरी जानकारी वहीं से मैं हमारे चैनल के द्वारा लिया गया है। बाकी अभी तक आधिकारिक तौर पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जो पीएम किसान योजना की ऑफिशियल साइट्स होती है वहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है, तो उसके लिए और भी प्रतीक्षा करना है। बाकी ऑफिशियल तौर पर जैसे ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा इससे संबंधित जानकारी दी जाती है तो सबसे पहले जानकारी आप सभी को हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके।